नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ माता तनोट राय के मंदिर के बारे में। ये ऐसा मंदिर है जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। ये संपूर्ण देश में विख्यात मंदिर है। जी हाँ, तनोट को भाटी राजपूत राव तनुजी ने बसाया था। देश भर से श्रद्धालु यहाँ माता के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आते ही रहते हैं। इन्हें युद्ध देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिर भारत पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। माता तनोट राय के और भी नाम हैं, जैसे युद्ध देवी, तनोट माता, रुमाल देवी, तनोट राय मातेश्वरी, हिंगलाज माता, आवण माता, ये भी इन्हीं के नाम है। हाल फिलहाल में तनोट राय मातेश्वरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह माँ का चमत्कार ही है कि लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर नवरात्र के पर्व में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तनोट माता को रुमाल देवी के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे की वजह है, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, वो अपनी प्रार्थना जब माँ से मांगते हैं तो रुमाल बांधकर जाते हैं, और जब उनकी प्रार्थना पूरी हो जाती है तो वापस आकर रुमाल को खोल देते हैं, इसलिए इन्हें रुमाल देवी के नाम से जाना जाता है। एक अविश्वसनीय घटना भी इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। बताते हैं कि जब 1965 का युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तान सेना की ओर से इस क्षेत्र में काफी मात्रा में बमबारी की गई थी। बताते हैं कि लगभग 3000 से भी ज्यादा बम गिराए गए थे इस क्षेत्र में, लेकिन माता का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि एक भी बम नहीं फटा और ना ही किसी तरह से मंदिर को नुकसान पहुंचा। तब से 1965 की जंग के बाद से इस मंदिर की देखरेख से लेकर पूजा अर्चना तक का सारा जिम्मा BSF यानी भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों के कंधों पर ही है। यहाँ पर उन्होंने अपनी चौकी भी बना रखी है। लोंगेवाला की जीत के बाद मंदिर परिसर में एक विजय स्तंभ का भी निर्माण किया गया, जहाँ हर वर्ष बताते हैं 16 दिसंबर को उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, तनोट राय मातेश्वरी मंदिर की ये थी कुछ खास बातें उनकी महिमा को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए एंड वर्ल्ड के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।